नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश में। माँ काली की पिछली वीडियो में हमने आपको माता काली के ही एक स्वरूप दक्षिणा काली के बारे में बताने का प्रयास किया था, और आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको माँ काली के एक अन्य स्वरूप शमशान काली के बारे में बताने जा रहे हैं। देवों के देव महाकाल की काली, काली से अभिप्राय समय और काल से है, जबकि कई लोग काली से काले रंग को जोड़कर देखते हैं। लेकिन आपको सही अर्थ बता दें कि काली का अभिप्राय समय और काल से है। काल वो होता है जो सब कुछ अपने में निगल जाता है। काली भयानक एवं विकराल रूप वाले शमशान की देवी हैं। वेदों में बताया गया है कि समय ही आत्मा है, आत्मा को ही समय कहा जाता है। माता काली की उत्पत्ति ही धर्म की रक्षा हेतु और पापियों के सर्वनाश करने के लिए हुई थी। काली माता 10 महाविद्याओं में से एक है। उन्हें देवी दुर्गा की महामाया भी कहा जाता है। काली की साधना अनेक प्रकार से की जाती है। भयानक अंधकार और शमशान की देवी को शमशान काली कहा जाता है। शमशान में ही इनका मंदिर होता है, वहीं इनकी पूजा होती है। शमशान काली की साधना तांत्रिक और अघोर पंथ के लोग करते हैं। तांत्रिकों के अनुसार वो देवी जो शमशान में रहती है, शमशान में जाते ही संसार सार की नश्वरता का एहसास होता है और वैराग्य प्राप्त होता है। बता दें आपको, शास्त्रों के अनुसार भेदों से युक्त मातंगी, सिद्ध काली, धूमावती, आद्रपट्टी, चामुंडा, नीला, नील सरस्वती, धर्मटी, भरकटी, उन्मुखी तथा हंसी, ये सभी शमशान कालिका के ही भेद रूप है। वहीं अगर आप शमशान काली की आराधना करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार शमशान घाट में अघोरी 3 तरह से साधना करते हैं। शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना, ऐसी साधनाएं अक्सर ही तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्रयंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में ही होती है। तो अपनी आज की इस वीडियो में हमने आपको शमशान काली के बारे में बताया। आशा है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी।